हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप सबके लिए लाए हैं मोदू नॉवेल का पार्ट 30। एक कार क्रैश के लिए मुझे क्यों जाना पड़ेगा? लोरेंजो हैरान होकर पूछता है। ट्रैफिक पुलिस वालों को भेज दीजिए, डायरेक्टर लू ने कहा। तुमने जो जुनमाओ का नाम सुना है? कौन से जो जुनमाओ? लोरेंजो बोल उठा। क्या ये वही है? फेदू ने भी आंखें उठाकर देखा। जो जुनमाओ एक फेमस ओवरसीज चाइनीज नेशनल थे। यान सिटी के आउटस्कर्ट के ईस्ट दाउगुअर डिस्ट्रिक्ट में पैदा होकर वो कम उम्र में ही विदेश चले गए थे। एकदम खाली हाथ से शुरू करके अपनी मेहनत से उन्होंने जो क्लैन कॉन्ग्लोमरेट को खड़ा किया था। अब 73 की उम्र में वो अपने देश वापस आना चाहते थे। जो जुनमाओ कोई ऑर्डिनरी सेलिब्रिटी नहीं थे, वो एक लो की और सिंपल आदमी थे और वो बहुत पब्लिक स्पिरिटेड थे। ईस्ट दागो डिस्ट्रिक्ट की आधी प्रॉस्पेरिटी के पीछे उनका ही योगदान है। उस डिस्ट्रिक्ट में जुनमाओ रोड के नाम से एक रोड भी है, जो यान सिटी का एकमात्र ऐसा रोड है जिसका नाम किसी लिविंग इंसान पर रखा गया हो। आधे घंटे पहले जब वो एयरपोर्ट से अपने घर जा रहे थे, तब पीछे से एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मारा। वो वहीं मर गए। फ्रंट सीट पर बैठे ड्राइवर और बॉडीगार्ड भी सीरियसली इंजर्ड हो गए। जो जुनमाओ के छोटे बेटे का दावा है कि उनके पापा का मर्डर हुआ है और वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का डिमांड कर रहा है। डायरेक्टर सिंह मेडिकल एग्जामिनर्स की टीम को लेकर चले गए हैं। हम भी उस जगह पर जाएंगे और फिर हम जो हाउस जाएंगे, लोरेंजो एयरपोर्ट हाईवे की तरफ गाड़ी चलाते हुए कहता है। लैंगचाओ नाइट ड्यूटी के लिए थी और जियाओ हायांग फर्स्ट दिन में ही जल्दी निकलना नहीं चाहता था। इन दोनों के साथ साथ लोरेंजो ने फेदू को भी साथ ले लिया था। लैंगचाओ ने पूछा, प्रेसिडेंट फेई, आप तो बहुत अमीर लोगों को जानते हो, क्या आप जो जुनमाओ से मिले हो? मिला था पर बात नहीं कर पाया था, फेदू अपने स्टूडियो स्टूडेंट वाला एटीट्यूड के साथ बोलता है, पर मैं उनके छोटे बेटे को अच्छे से जानता हूँ। लैंगचाओ अपना ऑनलाइन रिसर्च शुरू कर देती है। उनके दो बेटे हैं। बड़ा बेटा है जो हुआइजिन, बाप रे कितना टैलेंटेड है, इतने बड़े बड़े स्कूल में पढ़ा है और कम उम्र से ही फैमिली बिजनेस संभालने लगा है। दूसरा बेटा जो हुआइजिन, ये एक पेंटर है। क्या 8 के वजह से ही आप दोनों की दोस्ती हुई है? नहीं नहीं, हम दोनों में दोस्ती इसलिए हुई क्योंकि हम दोनों ही निकम्मे हैं, फेदू ने जवाब दिया। एक्सीडेंट की जगह पर जब फेदू कार से निकलने वाला था, तब लोवंजो उसे धक्का देकर कार के अंदर वापस भेज देता है। फेदू को ये अच्छा तो नहीं लगा, पर वो कार में ही बैठा रहा। लोवंजो जब श्योर हुआ कि उस जगह पर ज़्यादा खून नहीं है, तब जाकर उसने फेदू को कार से निकलने दिया। चीव सारनेम के जो ट्रैफिक पुलिसमैन वहाँ चार्ज में थे, वो लोवंजो के जानने वाले थे। इस पूरी दुनिया के लोग लोवेंजो के दोस्त हैं। फेदू दूर से उसे देखता रहता है। वो सोचता है लोवेंजो जरूर एक ओपन माइंडेड और टेंशन फ्री सराउंडिंग में बड़ा हुआ है। इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड और कुटिल लोगों को देखने के बाद वो और ज़्यादा बुद्धिमान और सेंसिटिव बन गया है। अगर बचपन में किसी को भरपूर प्यार और केयर मिले, तभी कोई इंसान ऐसे पूरी दुनिया को अपने बाहों में ले सकता है। कभी अगर आप रास्ते में खड़े होकर लोगों को देखते रहो, तो आपको लगेगा कि सब लोग एक जैसे ही है। पर जिन लोगों को अच्छी ज़िंदगी मिलती है, वो ये सोच भी नहीं पाते हैं कि उनके पास खड़ा होकर हंसने वाले को ज़िंदगी में कितनी तकलीफ़ मिली है। उसी तरह जो इंसान डिप्रेशन में डूबा हो, उसे लगता है कि उसके आसपास के सब लोग ही उसकी तरह ज़बरदस्ती हंस रहे हैं। अगर वो और लोवेंजो साइड बाई साइड खड़े हो, तो किसी को उन दोनों में कोई डिफरेंस पता नहीं चलेगा, क्योंकि सबको इंसान की बॉडी दिखाई देती है, मन नहीं। और बॉडी बहुत कुछ अपने मन के अंदर छुपा के रखती है। ट्रैफिक पुलिस लाओ चीहू उनको सर्विलेंस कैमरा फुटेज दिखाने ले जाता है। उनके हिसाब से ये एक एक्सीडेंट है और ये पीछे से आती हुई ट्रक वाले की ही गलती है। उन लोगों ने 21 कैमरा फुटेज देखा, जिससे यही लगा कि ट्रक ड्राइवर एक्सेलरेटर पर पैर रखकर सो गया था। वो पिछले 10 घंटे से ट्रक चला रहा था और थकावट की वजह से उसे नींद आ गई थी। इस एक्सीडेंट से वो ट्रक ड्राइवर भी बच नहीं पाया था। ड्राइवर का नाम था डोंग चियांग। वो 49 साल का था। वो एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रक ड्राइवर था। उसके जिस साथी ने उसे आइडेंटिफाई किया, उसका कहना है कि वो एक तमीज़दार इंसान था और 10 साल से इसी रास्ते में ट्रक चला रहा था। इन 10 साल में उसने कभी भी कोई एक्सीडेंट नहीं किया था। लाओचियो लुओवेंजो से एक सिगरेट लेते हुए बोलता है, कैप्टन लुओ, क्या आपको लगता है ये आदमी रिलायबल है या फिर बस स्पॉटलाइट के लिए ऐसा कर रहा है? लुओवेंजो ने कोई कॉमेंट नहीं किया था, पर जो हुआउजन को देखकर उसको लगा कि शायद सच में ही ये रिलायबल नहीं है। उसने जैन डोंगलाई को देखा था। अब जो हुआइजन को देखकर लोवेंजो को लगा कि इन लोगों के कंपैरिजन में फेदू का स्टाइल बहुत नॉर्मल है। जो हुआइजन की बॉडी में बस हड्डियां ही थे। उसे देखकर पुलिस को लगा कि शायद वो ड्रग्स लेता है। उसने टी शर्ट के ऊपर एक स्लिटेड वेस्ट पहना हुआ था। उसके दाहिने कान में 7-8 छेद थे और उनमें मेटल रिंग्स थे।
रोने के वजह से उसके आंखों के आईलाइनर स्मज होकर डार्क साइकिल जैसा लग रहा था। दीवार पर उसी की बनाई हुई एक अजीब पेंटिंग थी। उस अजीब पेंटिंग को देखकर लुआवंजो को अच्छा नहीं लगा। उसने धीमी आवाज में फेदू को पूछा, तुम लोगों का ट्रेंड मुझे कुछ समझ नहीं आता है, इस पेंटिंग से वो क्या समझाना चाहता है? फेदू ने उस पेंटिंग को अच्छे से देखा तो वो भी अनकंफर्टेबल फील करने लगा। मुझे जितना याद है उसने ये पेंटिंग एक सी साइड विला में बनाई थी। कुछ फेमस मॉडल उसके लिए बीच पर मॉडलिंग कर रहे थे। जो हुआजिन को आते देख फेदू बोल उठता है, जो दादा आप ठीक है? फेदू को देखकर जो हुआजिन रोककर उसके गले लग जाता है। फेदू उसे सहारा देकर अपने पास बिठाता है। थोड़ा ठीक होकर जो हुआजिन ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फेदू ने जवाब दिया, मैं एक डिग्री ले रहा हूँ, उसमें एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए मुझे सिटी ब्यूरो जाना पड़ा। तुम्हारे शौक अजीब है, कहकर जो हुआजिन फेदू के बाहों में आराम करने लगता है। लुआवंजो को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने पूछा, आपको क्यों लगा कि ये एक मर्डर है? मेरे पापा रोज एक्सरसाइज करते थे, वो ऐसे ही नहीं मर सकते। लेंग जो अपने आप को रोक नहीं पाई, वो बोल उठी, यंग मास्टर जो, आपको ये मानने में शायद थोड़ा टाइम लगेगा, उनकी मौत रोड एक्सीडेंट में हुई है, इसके साथ फिटनेस का कोई कनेक्शन नहीं है। जो हुआजिन रोने लगा तो फेदू बोल उठा, जो दादा वो कोई एविडेंस नहीं है। जो हुआजिन रोते हुए बोलता है, तुमको भी मेरे बातों पर भरोसा नहीं है, पर पापा रोज बुलेट प्रूफ कार ही ले जाते हैं, आज ही वो ये कार ले गए थे। पिछले हफ्ते उनके 73rd बर्थडे पर उन्होंने कहा था कि वो विल बनाना चाहते हैं, जिनमें वो मुझे और बड़े भैया को अपने शेयर्स बांट देने वाले थे। इस हफ्ते वो वापस आए और वो कुछ गलत बोल रहा है, ये समझकर वो चुप हो गया और फेदू की बॉडी में अपना सर घुसा गया। लुआवंजो ने कहा, मिस्टर जो के तो दो बेटे हैं, अगर वो विल ना भी लिखते हैं तो भी उनके सारे शेयर्स तो आप दोनों को ही मिलना है। आप अपसेट हो ठीक है, पर आप जब आपने रिपोर्ट किया है तब आपको इस केस को सीरियसली लेना पड़ेगा। मुझे पेंटिंग्स के सिवाय कुछ नहीं पता, भैया कल सुबह तक आ जाएंगे, आप लोग उनसे ही बात करना, पर मुझे लगता है रास्ते में घूमती गाड़ियां बड़े बड़े मर्डर वेपन्स है, कोई किसी को मार देता है और बोलता है ये एक एक्सीडेंट था, पर आपको अपना काम ठीक से करना चाहिए ना। सब ने अपने हिसाब से उसके बातों का मतलब निकाला। फेदू का एक्सप्रेशन सबसे ज्यादा डल था। लुआवंजो जो हुआजिन को फेदू से अलग करके कहता है, वो ट्रक ड्राइवर भी तो मर गया, आपके पापा को मारने के लिए वो अपनी जान क्यों देगा? ऑफिसर आपको नहीं लगता पैसों से किसी की जिंदगी भी खरीदी जा सकती है? उससे कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई, पर जब वो लोग जाने लगे तब उसने फेदू को कहा, क्या तुमने वो रूमर सुना है? उसके बारे में मत सोचो, फेदू ने कहा। क्या तुम भैया आने तक मेरे साथ रुक सकते हो? लुआवंजो ने कहा, ट्रेनी टाइम वेस्ट मत करो, तुम्हें वापस जाकर रिपोर्ट भी लिखना है। लुआवंजो उसे धक्का देते हुए ले गया और फेदू हंसता रहा। लेंगचियाओ ने पूछा, क्या उस सांप की नजर आपके ऊपर है? नहीं, वो बस लोनली है। आप सब लोग सड़े हुए हो, लेंगचियाओ नफरत के साथ बोलती है। क्या घुमा फिरा कर बोल रहा था वो? लुआवंजो ने पूछा। एक रूमर है कि मिस्टर जो का एक नाजायज बेटा है। ये बस एक रूमर है? मुझे ऐसा ही लगता है, फेदू पैर फैला के बैठता है। अपना गुड स्टूडेंट लुक को डिस्ट्रॉय करते हुए वो बोलता है, अगर ऐसा कुछ होता तो जो फैमिली उसे बहुत पहले ही एक्सेप्ट कर लेती। ऐसे भी लुआवंजो को लगा इसके बाद फेदू जो बोलने जा रहा था वो कोई अच्छी बात नहीं है, पर उसके रोकने से पहले फेदू खुद ही रुक गया। पर लेंगचियाओ पूछ उठी, ऐसे भी क्या? ऐसे भी द ग्रेट जो पिछले कुछ सालों में बहुत सुधर गए हैं, अगर जवानी में कुछ था भी तो वो पुरानी बात है, उनकी वाइफ बहुत पहले ही गुजर गई है। अगर उनका कोई ऐसा बेटा होता तो उन्हें उसे वापस लाने से रोकने वाला कोई नहीं था, बल्कि लोग तो इस बात के लिए उनकी और तारीफ करते, उन्होंने पहले ऐसा किया था पर बाद में वो लोगों की सेवा करने लगे, मुझे नहीं लगता उनको ये चीज़ छुपाने की कोई ज़रूरत थी। लेंगचियाओ गर्दन हिलाती है, उसको लगा कि फेदू पोर्नोग्राफिक नॉवेल के डोमिनेटिंग डायरेक्टर जनरल के जैसे नहीं है, बल्कि वो तो अपने एज के हिसाब से बहुत वर्चुअस है। पर जो हुआजिन ने कार्स के बारे में जो कहा वो बात सही थी, आप उस ड्राइवर और उसके ट्रक के बारे में पता क्यों नहीं करते? फेदू ने कहा। तभी जियाओ हाइयांग का फोन आ गया। लुआवंजो ने उसे पहले ही वो ड्राइवर डोंगचियाओ के बारे में पता करने के लिए भेज दिया था। उस छोटे चश्मेश को अपनी बातों पर ब्रेक लगाना नहीं आता है, वो बोलने लगा, मैंने उसके कोवर्कर्स से बात की पर मुझे कुछ नहीं मिला, इसलिए मैंने उसके बैंक अकाउंट, एसेट्स, मेडिकल हिस्ट्री और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता किया, क्या मैं रिपोर्ट करूं? चश्मिश वो आदमी मर गया है, हमें कोई जल्दी नहीं है, थोड़ा सांस लो और धीरे धीरे बताओ, तुमने इतनी जल्दी इतना कुछ इन्वेस्टिगेट कर लिया?
लुओवेंजो को लग रहा था जैसे कि उसे धनी भ्रम हो रहा हो। जियाओ हायांग ने कहा, वो शहर में ही रहता है, उसकी वाइफ की मौत हो गई है, बस एक 24 साल की बेटी है जो एक डिपार्टमेंटल स्टोर में अकाउंटेंट का काम करती है। उनके ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है, उनके खर्चे भी उनके इनकम के हिसाब से ही है। उन दोनों को पैसे उड़ाने की आदत नहीं है, उनका इनकम अच्छा है, उनका सेविंग 6 फिगर का है और एक घर भी है। रीसेंट मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उनका BP, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर थोड़ा बढ़ गया है, पर बाकी सब कुछ ठीक है। मैंने उनकी बेटी के ऑफिस से खबर ली तो पता चला कि उसने रिसेंटली कोई बड़ा खर्चा नहीं किया है, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और वो बीमार भी नहीं है, वो इमोशनली भी बहुत स्टेबल है। ज्याओ हायांग का रिपोर्ट सुनकर लैंग ज्याओ हैरान थी। लुओवेंजो ने कहा, उसको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं थी तो वो इतना मेहनत का काम क्यों कर रहा था? क्या वो पहली बार इतनी लंबी रूट पर था? लॉन्ग रूट ड्राइवर्स तो ट्रक चलाते चलाते थोड़ी झपकी ले लेते हैं, पर उनका पैर एक्सेलरेटर पर नहीं होता है। अगर उसको लॉन्ग रूट पर चलाने की आदत है तो आज ऐसा क्या हो गया? अगर तुम ये पता करना चाहते हो कि वो सुपारी किलर था या नहीं, तब तो तुम्हें एक्सीडेंट का कारण ढूंढना पड़ेगा और एविडेंस भी। ओके, मैं अभी जा रहा हूँ। मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, हमें पता ही नहीं है ये मर्डर है या नहीं, लुओवेंजो बोलता है, पर तब तक ज़ियाओ हायांग ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया था। लुओवेंजो को समझ आ रहा था क्यों फ्लावर मार्केट डिस्ट्रिक्ट शाबुरो के लोग उसे पसंद नहीं करते थे। उसका काम करने का पैशन देखकर लोगों को डर लगता था, उनको लगता था शायद वो उन सबको हराने के इरादे से आया है। ज़ियाओ हायांग को छोड़कर किसी और के पास कोई काम नहीं था। लुओवेंजो ने लैंग ज़ियाओ को ड्रॉप कर दिया और फिर फेदू को लेकर गुरो जाने लगा। उन दोनों की कार गुरो में ही है। फेदू अपना फ़ोन खोलता है तो उसे जो फैमिली की न्यूज़ दिखाई देती है। अभी तो यूएस मार्केट खुला होगा, अगर मैं लोगों को फ़ोन करके जो क्लैन के शेयर्स को शॉर्ट सेल करने के लिए बोलूं, तो क्या वो ठीक रहेगा? न्यूज़ में आया है कि जो जुनमाओ कार एक्सीडेंट में मारे गए हैं और उनके छोटे बेटे ने पुलिस में रिपोर्ट किया है। आपको क्या लगता है, वो बस हंगामा कर रहा है? अगर उनकी नॉर्मल डेथ भी होती, फिर भी कुछ ना कुछ फैमिली ड्रामा तो होता ही। जो वाइजिंग ही यहाँ पर था, अगर वो पुलिस बुलाकर ना रोता तो सब उस पर शक नहीं करते। जो हुआ है जिनके साथ उसके पिता का कैसा रिश्ता था? एक नालायक लड़का जिसको बिजनेस से कोई मतलब नहीं है। अगर उसे उसके काबिल बड़े भाई के साथ कंपेयर करो तो क्या होगा? बाप बेटे के रिश्ते में तनाव तो होगा ही ना। और तुम्हारा, जितना मुझे पता है टीनेज ईयर्स में तुम आउट ऑफ लाइन नहीं थे और तुम तुम्हारे पापा के इकलौते बेटे हो, क्या तुम्हारे पापा के साथ तुम्हारे रिश्ते में तनाव था? क्या आप मुझ में इंटरेस्टेड है? मैंने सुना है हमारे देश में कोई किसी के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में तभी पूछते हैं जब उनको लगता है कि वो उनके पोटेंशियल मेट है। क्या आप सच में जानना चाहते हैं? बोलते बोलते फेदू लुओवेंजो के करीब हो जाता है। सामने की कार की वजह से लुओवेंजो को ब्रेक करना पड़ा तो फेदू भी झटके से अपनी जगह वापस चला गया। लुओवेंजो ने कहा, अगर तुम्हें नहीं बताना है तो मत बताओ। फेदू हंस उठा। कुछ देर जाकर उनको सिग्नल में रुकना पड़ा। फेदू के चेहरे की हंसी गायब हो गई थी। उसने कहा, कभी कभी मुझे लगता है किसी इंसान के लिए अपनी परवरिश और जिस परिवेश में वो बड़ा हुआ है उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। लुओवेंजो उसकी तरफ देखता है। भावनाएं, आदतें, स्वभाव, दस्तूर, अच्छाई, चिंतन, मनन, ये सब चीज़ों को आप बाद में चेंज कर सकते हो। ये सब पेड़ के शाखाओं की तरह है, आप जिधर चाहो मोड़ सकते हो, पर जो बिल्कुल अंदर है, जो उसका अस्तित्व है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। अपनी ज़िंदगी के शुरू में जब आप दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते हो, उस टाइम जिन चीज़ों को आप एक्सपीरियंस करते हो वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। आपको पता भी नहीं होता है, पर वो सब आपके अंदर पत्थर में खींची गई लकीर की तरह रह जाती है। लुओवेंजो चुपचाप इंतज़ार करता रहा, पर फेदू कोशिश करके भी इससे ज़्यादा अपने आप को खोल नहीं पाया। कैप्टन लुओ, क्या मैं आपका हाथ पकड़ सकता हूँ? लुओवेंजो के पूरे बॉडी के नर्व्स जैसे उसके दाहिने हाथ पर आ गए। फेदू ने हल्के से अपना हाथ उसके हाथ के ऊपर रखा। उसके हाथ की उंगलियां लंबे और बर्फीले थे और उसकी हथेली गर्म थी। उसने अपना हाथ लूजली रखा था ताकि लुओवेंजो जब चाहे हाथ हटा सके। फेदू को देखकर लुओवेंजो को लुओ युगो की याद आई। पीछे वाली कार हॉर्न मारे जा रही थी, सिग्नल ऑलरेडी ग्रीन हो गया था और उसके सामने कोई गाड़ी नहीं थी। फेदू अपने नाजुक हालात से निकल आया और जल्दी से झुककर उसने लुओवेंजो के हाथ को चूम लिया। लुओवेंजो ने जल्दी से अपना हाथ खींच लिया तो उसने इनोसेंटली कहा, ओह आई एम सॉरी, आपका चार्म ऐसा है कि मैं हद से आगे चला गया था। लुओवेंजो को गुस्सा आ गया। फेदू, क्या मैंने तुम्हें ज़्यादा ही सर पर चढ़ा दिया है? फेदू को समझ आ गया था कि उसने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। वो मुंह बंद करके चुपचाप बैठा रहा। सिटी पूरा पहुँच कर लुओवेंजो ने कहा,
हम नॉर्मल लोग अपने जान पहचान के लोगों के साथ ये सब नहीं करते हैं। अगर तुम्हें तलब लगी है तो तुम तुम्हारे उस सूखी डंडे के पास जा सकते हो। फिर वो कार से उतर कर चला गया। फेदो उस सर्विस कार में बैठा रहा, उसका मन नहीं भरा था। जियाओ हायंग अपना चश्मा ठीक करते हुए हॉस्पिटल पहुंच गया। एक मायूस लड़की को अपना आईडी दिखाते हुए वो बोलता है, क्या आप डोंग जियाओचिंग हो? मैं डोंग जियाओचिंग ठंडी निगाहों से उसे देखती है। पुलिस, आप मेरे ऑफिस पर भी गए थे ना, वहाँ कुछ नहीं मिला तो मुझसे पूछताछ करने आ गए? जियाओ हायंग बातों में अच्छा नहीं है। वो बोलता है, मैं परिस्थिति को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या डोंग जियाओ ऐसे डिफ़िकल्ट काम किया करते थे आपके फैमिली को? हमने कोई हाई इंटरेस्ट लोन नहीं लिया है, किसी को कोई बड़ी बीमारी नहीं है, कोई जुआ नहीं खेलता है। हम गरीब हो सकते हैं पर नीडी नहीं। हमें पैसों के लिए किसी को मारने की ज़रूरत नहीं है। पापा ने एक्सीडेंट किया है, अगर कंपनसेशन के लिए पैसे देने हैं तो मैं दूंगी। अगर मेरे पास ना हो तो मैं उधार लेकर दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे ज़िंदगी भर गधे की तरह काम ही क्यों ना करना पड़े। वो मर गए हैं, वो कुछ बोल नहीं पाएंगे। क्या आप लोगों को इंसान का खून पीने में मज़ा आता है? मेरी माँ एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी, उसके बाद वो एक साल तक गाड़ी नहीं चला पाए थे। डोंग जियाओचिंग नफरत के साथ जियाओ हायंग की तरफ देखती है। और आप लोग कह रहे हो कि उन्होंने पैसों के लिए किसी को ट्रक से उड़ा दिया है, आप लोग ऐसे क्यों हो? दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी बताना मत भूलना, और साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।